subscribe and click the bell icon for television updates. ये तो क्या है ना कि मैं अपने बेबी से इतना प्रॉमिस कर चुका हूँ और इतने प्रॉमिस उनके तोड़ चुका हूँ कि अब उनको मेरे को बिलीव ही नहीं होता. लाइफ को मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखूँ और कुछ भी चीज़ नेगेटिव ना सोचूँ ना करूँ. तो सब लोग, हम लोग पूरी फैमिली एक साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाली है इस बार. हम लोग कहीं बाहर जा नहीं रहे हैं. न्यू ईयर है, क्रिसमस है, क्या कुछ प्लानिंग है आपके घर पे? दो बेबीज हैं. हाँ, तो बेसिकली मेरा तो ये प्लान है न्यू ईयर और क्रिसमस का कि मैं अपने ट्विंस के साथ सेलिब्रेट करूँगा, अपनी वाइफ के साथ. मेरे मदर फादर आए हुए हैं, प्लस उन मेरी वाइफ की सिस्टर आई हुई है, मेरे इन लॉज आए हुए हैं. तो सब लोग, हम लोग पूरी फैमिली एक साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाली है इस बार. हम लोग कहीं बाहर जा नहीं रहे हैं, यहाँ पर ही मुंबई में रह के क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे. And it would be a fun Christmas with family. Any festival turns out to be really good. आप अपने babies के लिए क्या gifts लेने वाले हैं Santa Claus? देखिए, ये तो क्या है ना कि मैं अपने babies से इतना promise कर चुका हूँ और इतने promise उनके तोड़ चुका हूँ कि अब उनको मेरे को believe ही नहीं होता. वो तो बोलते हैं कि पापा, मैं जैसे घर जाता हूँ तो उनको बोलूँगा कि अगर तुम मुझे 10 kisses दे दोगे तो मैं तुम्हें ये लेके दूँगा, अगर तुम मुझे 20 केसेस दोगे तो मैं तुम्हें ये लेके दूंगा, अगर मैं देता हूँ तो मैं तुम्हें ये लेके दूंगा. तो अब उनको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा. तो अगर मैं उनको बोलूँगा भी क्रिसमस के लिए ये दूंगा तो मेरे पे भरोसा नहीं करेंगे. सो उनकी मम्मी को आगे करूँगा और कुछ भी दूँ, लेकिन मैं कम से कम 100 केसेस तो उनसे ले के रहूँगा. इस बार न्यू ईयर आप कैसे सेलिब्रेट करोगे? कहीं प्लान से कहीं जाना चाहोगे? देखिए, क्या है ना कि प्रॉब्लम ये है कि न्यू ईयर और क्रिसमस के टाइम पे मुंबई में बहुत ट्रैफिक हो जाता है, बहुत रश हो जाता है. एंड आई वांट टू ब्रिंग माय न्यू ईयर इन पीस. और मैं चाहूँगा कि मैं न्यू ईयर के टाइम पर अपने घर अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करूँ. तो मेरा तो यही प्लान है फ़िलहाल, और बाकी मैंने अभी सोचा नहीं. मुझे आपके यू नो बचपन की एक मेमोरी है क्रिसमस की जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. हाँ. बताएंगे अगर आप? मेरे से ज़्यादा वो जो मेमोरी है वो मेरी मॉम की मेमोरी है. हर क्रिसमस के टाइम पे हम उनको इमोशनली ब्लैकमेल करते थे कि सैंटा क्लॉज को बोलिए कि आप ये लेके आइए. मेरी मम्मी बोलती थी मैं सैंटा क्लॉज थोड़ी ना हूँ जो मैं ये बोलूँगी, वो तो खुद से इन जनरल गिफ्ट दे के जाते हैं बच्चे, आप वो करो. तो हम लोग चिट्स बनाते थे, मैं और मेरी सिस्टर. उस पर ना हम लोग बहुत सारी गेम्स के नाम लिखते थे. अगर सैंटा क्लॉज को ये मिले तो ये ले आना, ये नहीं मिले तो ये ले आना. तो ऐसे करके हम लोग ऑप्शन देते सैंटा क्लॉज को. और कई बार अगर सैंटा क्लॉज को कुछ भी नहीं मिलता था तो कई बार वो सैंटा क्लॉज हमारे उसमें चॉकलेट्स डाल देता था. तो हम अपनी मम्मी को बहुत सुनाते थे कि ये आपकी गलती है, आपने सैंटा क्लॉज को बोला नहीं सही से. तो यही मेमोरीज है. और वो सर्कल होता है, इनको हम अपनी मम्मी को सुनाते थे, अब हो सकता है कि मेरे बच्चे मुझे सुनाएं कि क्या कहते हैं. हम तो सैंटा क्लॉज से ये मांग रहे थे और हम लोग तो फिर भी एक नॉर्मल कार्डबोर्ड गेम्स मांगते थे. आजकल के बच्चे तो आईपैड, आई वॉच ये सब कुछ मांगते हैं. तो पता नहीं सैंटा क्लॉज कहाँ से ला पाएगा बेचारा. इस बार के कोई रेजोल्यूशन है आपके न्यू ईयर के? रेजोल्यूशन में मेरा एक ही रेजोल्यूशन है कि लाइफ को मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखूँ और कुछ भी चीज़ नेगेटिव ना सोचूं, ना करूं, ना किसी को हर्ट करूं, और सब चीज़ें अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहूं. और बीच में मैं थोड़ा सा जिम में मिस कर देता हूं, तो कोशिश रहेगी कि मैं जिम रेगुलर जाऊं. बाकी आई वांट अ हेल्दी हैप्पी एंड अ वंडरफुल नेक्स्ट ईयर. ओके, सो जाते जाते अपने फैंस को एक न्यू ईयर विश करते हैं. या, विशिंग ऑल माई फैंस अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, मेरी क्रिसमस टू यू ऑल. And keep watching Pandya Store because I'm sure that you will get a wonderful, wonderful surprise which you can't even imagine. और देखते रहिए Pandya Store और हमें प्यार करते रहिए. Thank you. Thank you.